चलो ठीक है भाई, मैं शॉर्टकट रास्ते से आया हूँ तो मुझको सीधा जाना है ऊपर। और यहाँ पे है भाई, पटक दिया उसने, मार दिया मेरे को। हेलो, आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है शदाब और आप देख रहे हैं इस वक्त हिंदी गेमिंग यूट्यूब चैनल के। सब सभी लोग, उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं पिछली बार लेकर आया था बेबी इन येलो को ईविल नन के स्कूल के अंदर। और जिसने नहीं देखी होगी वीडियो, वो ये रही वीडियो और ये रहा लिंक, जाकर देख लेना वीडियो को। और आज भाई मैं लेकर आया हूँ स्क्विड गेम की डॉल को। जी हाँ, स्क्विड गेम की डॉल को मैं लेकर आया हूँ ईविल नन स्कूल में। और आप लोग जानते होंगे कि भाई ये डॉल जो है भाई ग्रैनी घर में गई थी और उसने क्या बवाल मचाया था, सबको पता है भाई। और जिसको नहीं पता होगा भाई, वीडियो देख लेना जाकर। तो दोबारा से मैं ले आया हूँ ईविल नन के स्कूल के अंदर और देखना है कि क्या मैं यहाँ से एस्केप कर पाता हूँ या फिर नहीं। तो जो भी कुछ होगा आपके सामने होगा, तो लेट्स गो, गेम के अंदर चलते हैं। ऑल राइटी, अब यहाँ से निकलना है और बस देखना है कि भाई ये प्लीज़ ईविल नन हमको ना मारे, क्योंकि भाई मैं जानता नहीं हूँ ईविल नन कितनी ज़्यादा खतरनाक है। मुझे नहीं पता है, मतलब डॉल को नहीं पता है, मुझे तो पता है भाई, डॉल को नहीं पता है कि ईविल नन कितनी ज़्यादा खतरनाक है। वो भाई ये सब नहीं देखते कि तुम कौन हो कौन नहीं हो। भाई जब वो ग्रैनी को मार सकती है तो ये तो डॉल है, लेकिन भाई उसने बच्चे को नहीं मारा था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जब उसने बच्चे पे हाथ नहीं उठाया तो भाई मुझ पर भी नहीं उठाएगी, भाई मैं भी खतरनाक ही हूँ। तो चलो भाई देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी आइटम नहीं ना, और यहाँ पे तो ईविल नन भी नहीं ना। लेट्स गो, इसमें देखते हैं इसमें कोई काम का आइटम मिल जाए भाई, इस बार भी नहीं ना। चलो ठीक है भाई, मैं शॉर्टकट रास्ते से आया हूँ तो मुझको सीधा जाना है ऊपर। और यहाँ पे है भाई, पटक दिया उसने, मार दिया मेरे को। ये क्या भाई, उसने ऐसे ही मेरा सर फोड़ दिया भाई, ये क्या बदतमीजी हुई भाई। इसका यही मतलब होता है कि भाई मुझसे डरी बिल्कुल भी नहीं ना। और ये क्या है भाई, क्या है, निफ्लिक्स डॉल, ये कौन सा है भाई, निफ्लिक्स डॉल। अबे मैं स्क्विड गेम की डॉल हूँ पागल आदमी। अबे अबे अबे, आवाज़ हो गई, आवाज़ हो गई, आवाज़ हो गई भाई, वो सर फोड़ देगी। अब मेरे को डर लग रहा है उससे भाई, जब उसने मेरे को पहले बार मार दिया, उसने ये नहीं देखा कि भाई मैं डॉल हूँ, मैं ख़तरनाक हूँ, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, मार दिया भाई। अब मैं उसे डरना है भाई मेरे को, और आराम से निकलना है। पहले यहाँ देखता हूँ कि शायद आई तो नहीं ना, क्योंकि आवाज़ हुई थी वहाँ, मैंने वो फेंका था जिससे वो आ सकती है, और वैसे अभी तक आई नहीं ना, तो इसका ये मतलब है वो नहीं आएगी। तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। हाँ ठीक है, चलना है मेरे को सीधा ऊपर। भाई साहब मेरी तो भाई जो फटी है, मैं क्या बताऊँ। आई ओके, मेरे को ऐसा लग रहा है ऊपर ही है भाई वो। हाँ भाई ऊपर ही है, देख लिया। अरे अरे, हट जा, हट जा, हट जा, हट जा, छुप जा भाई, इसमें छुप जा। वो आ गई भाई, वो मेरे पीछे पीछे आई है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे आया, क्योंकि भाई म्यूज़िक थोड़ा सा तेज़ हुआ था और लेकिन म्यूज़िक बंद भी हो गया था। यहाँ पे नहीं आई है जहाँ तक कि मेरे को ऐसा लग रहा है। बढ़िया, ये भाई मैं तो पता है मैं इसके नीचे भी नहीं जा सकता हूँ, ये देखो इन्होंने बंद कर दिया है वापस। यहाँ भाई, अबे यार कहाँ है वो, अबे भाई ओके ये रहा टेबल। मेरे को छुप छुप के निकलना पड़ेगा भाई, मेरी हाइट तो नॉर्मली हो गई है, तो मैं ऐसा केबल भी निकाल सकता हूँ, और जो ब्रूम से मैं ऊपर कुकीज़ का जो बॉक्स है वो भी आराम से निकाल सकता हूँ। तो ठीक है, लग गया, वापस छुप जाओ। अब भैया मेरे को डर डर के करना है, और मेरे को मरना बिल्कुल भी नहीं ना भाई, आराम आराम से मेरे को जाना है भाई। क्यों मैं मरना है भाई, पागल हूँ क्या, बे मतलब का मरना है मेरे को। ठीक है, कहाँ है ईविल नन भाई, मेरे को आइडिया बिल्कुल भी नहीं ना। बढ़िया, हाँ छुप जाओ। ओके, आवाज़ हुई है ना, वो आ सकती है। वो देखो भाई ऊपर जा रही है वो, आई थिंक, नहीं ऊपर नहीं जा रही है, वो सामने गई है। हाँ हाँ भाई वो सामने ही गई है, ऊपर नहीं ना वो। तो मैं ऊपर जाके भाई ब्रूम जो है, अगर वो सही पड़ा होगा तो मैं उठा लूँगा भाई। हाँ भाई वो यहाँ पे नहीं आई है भाई, प्लीज़ ब्रूम इसी में दे देना भाई, तो मज़ा आ जाएगा भाई प्लीज़। अबे यार किस्मत ने भी साथ नहीं देती है भाई कभी कभी। ब्रूम यहाँ पे तो नहीं ना, ब्रूम वहाँ पे भी नहीं होगा, ब्रूम होगा भाई नीचे वाले रूम में आई थिंक सो। नहीं, यहाँ होगा भाई ब्रूम, आराम से इसको बंद कर दो, इसमें ब्रूम है भाई दे दो। अबे यार इसमें भी नहीं ना, ठीक है मैं यहाँ छुपता हूँ,
और इवन अगर यहाँ पे आए तो ठीक है, और नहीं आई तो भी ठीक है भाई। पिछली बार सामने पड़ा हुआ था, ओए आ गई भाई साहब, सही टाइम पे। मैं अच्छी बात है मैं नहीं निकला, मैं निकलने ही वाला था। ठीक है जी, चली जाएगी तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। भाई दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा तो उसका क्या मतलब है, खड़ी है क्या वहीं पे? अबे दरवाज़ा खोल के चली गई थी पागल कहीं की, पता है इधर गई है। भाई ये तो बंद है क्लासरूम, ठीक है वो यहाँ पे नहीं आई, इसका ये मतलब है। तो भाई ब्रूम कहाँ पे पड़ा है? चढ़ 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 चढ़, ओए बच गया बच गया बच गया भाई बच गया। वैसे वो यहाँ आई नहीं तो उसने देखा नहीं मेरे को यहाँ पे आते हुए रूम के अंदर, ये बढ़िया हो गया। अबे अब तो मैं डर भी रहा हूँ भाई, और मेरे को अब याद भी नहीं आ रहा ब्रूम और कहाँ पे हो सकता है। ठीक है यहाँ पे तो शायद वो इवनिंग जा चुकी है। मैं वापस से भागता हूँ नीचे और नीचे ढूंढता हूँ कि नीचे ब्रूम कहाँ होगा। नीचे भाई पड़ा होगा, मैंने जो देखा था वहीं पे। चल 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 चल, अबे मैं कौन से रास्ते से आ गया भाई? ओ सामने वाले रास्ते से आना है मेरे को, यहाँ पे ब्रूम पड़ा होगा जहाँ तक कैसे लग रहा है, ये वाले में। भाई इसी में दे दिए तो मज़ा आ जाएगा। ओके ब्रूम मिल गया, लेट्स गो, ब्रूम हमको मिल चुका है। अब बस मेरे को आराम से यहाँ पे जाना है और यहाँ पे देखना है कि कहीं इवन आई है। नहीं आई है ना तो इसका मतलब मैं ऊपर चढ़ के इसको निकाल सकता हूँ जल्दी से, अब क्योंकि आवाज़ हो जाएगी जिससे वो आ जाएगी भागते हुए। ऑल राइट, चल 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 चल, चलो भाई यहाँ छुप जाओ। अब देखो उसने देखा तो नहीं ना कि मुझको यहाँ पे आते हुए, लेकिन वो ब्रूम देखेगी वहाँ पड़ा है और ऊपर देखेगी कुकीज़ भी गायब है, समझ जाएगी यहाँ पे कोई ना कोई तो है। तो बस मेरे को भागना है यहाँ से सीधा ऊपर, और ऊपर से बॉक्स को गिराना है, की निकलेगी की से ताला खोलना है, यहाँ से भागना है भाई। 1 2 का 4 होना है मेरे को भाई, डर लग रहा है। सर फोड़ दिया इसने मेरा पहली बार में ही, इसने बता दिया कि डरती नहीं ना। ठीक है भाई एवलिन आई तो नहीं, क्या ऊपर है क्या? ऑल राइट यहाँ पे भी कोई नहीं ना। ओए भाई साहब, अच्छी बात है दरवाज़ा खुला हुआ है भाई सामने का, नहीं तो मैं फंस जाता हूँ, मैं मर जाता। भाई क्या चिल्लाई थी इतनी कस के, इसको जाने दो पहले यहाँ से भाई। ऑल राइट आई थिंक सो जा चुकी है, ऑल राइट जा चुकी है। बस मेरे को यहाँ से इसको नीचे फेंक देना है। भाग 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 भाग, की उठा की उठा की उठा, वो आवाज़ नीचे आएगी। आजा 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 आजा, देख लिया इसने मेरे को, अभी मैं यहाँ से इसको चकमा दे के निकलूँगा। अब तो देख अब तो देख अब तो देख अब तो देख, यहाँ से मैं भाग जाएगा। अब तू देख अब तू देख अब तू देख, यहाँ से मैं भाग जाएगा। ऑल राइट गाइस, फाइनली भाई यहाँ निकल तो गया मैं। भाई साहब जो मेरी फटी है भाई इस गेम के अंदर, मैं क्या बताऊँ, आज पहली बार मेरी इतनी फटी थी कि जब मैंने देखा भाई, जब इसने स्क्विड गेम को मार दिया तो फिर ये भाई किसी से भी नहीं डरेगी। लेकिन इसने बच्चे को नहीं मारा था, इवन वो जो बेबी येलो वाला था उसको नहीं मारा था। क्यों नहीं मारा था भाई मुझे नो आइडिया, आप लोग बताना कमेंट करके किसने क्यों नहीं मारा था। तो गाइस इतना वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा। चैनल पर अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना भाई, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझको इंस्टा और फेसबुक दोनों पर फॉलो भी कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी के साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ट्यून्ड।